हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ अलग, कुछ हटके। आज मैं कोई रेसिपी नहीं बताने वाली हूँ, आज मैं लेकर आई हूँ घर की डेकोरेशन से रिलेटेड कुछ बनाया है मैंने, वो भी वेस्टेज बॉटल से, प्लास्टिक बॉटल से। और कुछ किचन टिप्स हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कैसे बनाए हैं, क्या क्या किया है, जिससे कि आपको भी आसानी हो जाए बनाने में। मैंने ये बॉटल्स लिए थे, मैंने एक वीडियो डाला था लास्ट में, जो ऊपर की बॉटल मैंने यूज़ की थी पॉलीथिन्स में, और ये जो नीचे का मैंने बोला था कि ये वेस्टेज नहीं है, इसे यूज़ करना है, तो वो नीचे के मैंने रख लिए थे बॉटल, और उनको कट करके इतना मैंने कट कर लिया है, नीचे का हिस्सा रख लिया है। अब ये जो तीनों चीज़ें मैंने, तीनों बॉटल्स रख ली हैं, अब इन्हें हम शेप देंगे। जिस तरीके से भी आप देना चाहें, मुझे ये स्माइली अच्छी लगी थी, तो मैंने स्माइली इमोजीज को की शेप इन्हें दे दिया। अब ये पहले मैंने क्या करूँगी, येलो कलर पेंट कर लेंगे पहले, उसके बाद जो भी आप शेप देना चाहें। मुझे ये शेप बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने यही शेप्स इनको दे दिए। आप चाहें तो शेप्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन, बट मैंने हाँ एक आपको आइडिया दे दिया कि आप ये भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी डेकोरेशन का ये आइडिया है, बहुत सुंदर भी लग रहे हैं ये रख के, और बहुत अच्छे भी हैं, और आसानी से बन भी जाते हैं, कोई टाइम भी नहीं लगा है बनाने में, टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पेंट जब हम करेंगे तो पहले हम इसको सुखा लेंगे, उसके बाद दूसरा कलर कर लेंगे इस पर। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस करना है इस तरीके से। सो गाइस, मैंने ये तीनों बॉटल्स को जो कटिंग करके रखे थे, उन्हें शेप देने का ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने पैन से यूज़ किया है, जिससे कि मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं शेप ख़राब ना हो जाए मेरी, तो मैंने थोड़ा डर डर के ये किया है। अभी एकदम से मैं पहली बार ये चीज़ कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए। अगर आप ये करते हैं डेकोरेशन का काम, तो आप आसानी से बना सकते हैं। मैंने बहुत स्लो स्लो किया है, तो थोड़ा मुझे टाइम लगा था, अदरवाइज़ कोई इसमें टाइम लगेगा नहीं, बहुत इजी भी है। ये देखिए, बहुत सुंदर से भी लग रहे हैं ना, एकदम अट्रैक्टिव, बहुत अच्छे। आप इसे ड्राइंग रूम में, अपने रूम में, जहाँ मर्जी आप इसको रख सकते हैं। आपके पास जो भी पॉट्स हों, आप इसमें लगा सकते हैं, प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, जो मर्जी आप लगा सकते हैं, मनी प्लांट्स भी लगा सकते हैं, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जो हमारी बॉटल्स थी जिन्हें हम फेंक देते हैं, उनका ये बहुत अच्छा यूज़ हम कर सकते हैं। और भी मैं आपको नई नई वीडियोज़ जो लाऊंगी, नेक्स्ट वीडियोज़, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी बॉटल से बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेटिव आइडियाज़। और मैंने ये इसमें आर्टिफिशियल पॉट्स रख दिए हैं, सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए कि हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे भी लगेंगे, देखने में भी अच्छे हैं, और आसानी से बन भी जाएंगे। तो और मैंने ये देखिए अपने ड्राइंग रूम में, मेरा एक स्पेस है, वहाँ पे मैंने इनको रख दिया है, तो देखने में भी अच्छे लग रहे हैं, एकदम बढ़िया से जगह भी पूरी फुल हो गई है। तो नेक्स्ट मेरा टिप है, घर के चाकू क्या होता है, यूज़ करते करते जो नाइफ्स होते हैं वो शार्प नहीं रह पाते हैं, तो सब्जी काटने में आसानी नहीं होती है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, हमें कुछ भी करने की ऐसी एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। जो नया स्क्रबर होता है, स्क्रबर जो है वो नया लेना है, तो न्यू स्क्रबर पे हम इस तरीके से अच्छे से थोड़ा हाथ से टाइट पकड़ के और इसको दोनों तरफ से घिस लेंगे। उससे क्या होगा कि जो नाइफ्स हैं, सारे नाइफ्स जो भी आप इसको शार्प करेंगे, आप तुरंत यूज़ करके देखिए, बहुत ज़्यादा अच्छे से शार्प हो जाएगा। अब वो चाहे आलू छीलने वाला नाइफ़ हो या फिर नॉर्मल जो हम नाइफ यूज़ करते हैं वो हो, आप आसानी से इस तरीके से चाकुओं को शार्प कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है ये, इसे ना कोई एक्स्ट्रा चीज़ मार्केट से लानी पड़ेगी, ना किसी और चीज़ का, नॉर्मल सबके घर में स्क्रबर होते हैं, बस इतना ध्यान रखना है कि स्क्रबर नया लेना है। तो चलिए थर्ड टिप की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने क्या किया है, खाना बनाया था तो तवा भी थोड़ा गर्म है, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ किया जाए इससे भी,
हम मार्केट से जब कॉम्ब्स खरीदते हैं, कभी कभी क्या होता है कि उनके जो आगे के हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा शार्प होता है, बाल जब हम हेयर कॉम्ब करते हैं तो बहुत ज़्यादा चुभता भी है। तो मैंने उसका आइडिया निकाला कि इस तरीके से हम कॉम्ब्स को इस पे तवे पर रगड़ लेंगे और फटाफट से ये काम आसान भी हो जाएगा और सारे कॉम्ब्स ठीक हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा और हमारे कॉम्स भी एकदम बढ़िया हो जाएंगे। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद मुझे बताना कि आपको मेरी ये टिप्स कैसे लगे हैं। आप भी ट्राई कीजिए। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। तो गाइज़ मैं आपके साथ नई नई वीडियो शेयर करती रहूँगी, कभी रेसिपीज़ की, कभी किचन टिप्स की, तो कभी डेकोरेटिव आइटम्स की। तो गाइज़ मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हों तो कमेंट करना ना भूलें।